ये देखो जी, ये हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो अपने बाप को कह रही है साला, तू है कभी? जो वो औरत चाह रही थी कि ये बदतमीज बोले अपने बाप को, वही कर रही है जी ये। बिल्कुल पिछली वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, अच्छी चीजें कर रहे हो, लाइफ में अच्छे तरीके से फोड़ रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो एक तरीके से आप बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे लोगों के भी नीचे हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो लोग कम कमाते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी कुछ भी नहीं है, मिडिल क्लास के मुकाबले भी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेंटल लेवल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें झेली होती हैं। मेंटल से ज्यादा फिजिकल ट्रॉमा झेला होता है, सब तरीके के वेदर्स एक साथ मिलके झेलते हैं, इसलिए वो लोग खुश रहते हैं। लेकिन कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी सारी की सारी फैसिलिटीज, धन दौलत, इवन मिडिल क्लास से भी ऊपर अपर मिडिल क्लास वाली चीजें होने के बावजूद भी खुश क्यों नहीं रह पाते? पिछले 2 दिन से इंटरनेट पे एक बाप और एक बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक आदमी हद से ज्यादा अपने घर की मेंटल टेंशन की वजह से सोशल मीडिया पे एक वीडियो डालता है, जिसमें कि वो ये बताता है कि मेरी बेटी ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मेंटल ट्रॉमा देने की कोशिश की, मुझे परेशान किया। इसी बीच उस बंदे की बेटी उसको अब्यूज करती है। ये देखो जी, ये तमीज है इसकी बात करने की, अपने बाप को जो बोलती है ये इज्जत है। उसको गालियां देती है और कहती है कि तू तो है ही इसी लायक, जो कि अपने बच्चों को पलवा पलवा के यहाँ पे 25 साल 30 साल खिला के $6,500 महीने का आदमी बना के, उसके बाद मैं भूखा नंगा। अब देखो, बहुत से लोग इस चीज में ये कहने लग जाएंगे कि हमने सिर्फ एक पहलू देखा है, हमें दूसरा भी देखना चाहिए इनकी स्टोरी में। मैं कह रहा हूँ कि भले ही एक ही पर्सपेक्टिव देखा हो, इस लड़की के फादर कितने ही ज्यादा बुरे क्यों ना हो, कितने ही खड़ूस क्यों ना हो, मगर उनके बुढ़ापे के टाइम पे उन्हें इस तरीके से दुत्कारना इज नॉट कूल। इट वॉज नेवर कूल इन द फर्स्ट प्लेस। आजकल सोशल मीडिया पे जेंजी कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, तो मैंने भी चैट जीपीटी से एक बार ये सवाल पूछा कि व्हाट इज जेंजी। मैंने कोई भी मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी भी चीज के बारे में बात नहीं की, लेकिन चैट जीपीटी ने अपने आप ही मुझे ये बता दिया कि जेंजी वो टाइप की जनरेशन होती है जो कि बहुत ही ज्यादा है मेंटल ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एजुकेशन और न जाने क्या क्या से जूझ रही है। और यही चीज आजकल के टीनेज से लेके 25 साल तक के लोगों में बहुत ज्यादा पाई जा रही है, और उसी एज ग्रुप को जेंजी कहा जाता है। वैसे इस एज ग्रुप में मैं भी आता हूँ, लेकिन मेरे केस में बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने काफी टाइम से काफी सारी चीजों को काफी कम उम्र से झेलना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरी ही एज ग्रुप के काफी सारे लड़के लड़कियां जो कि मुझसे फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, उनके पास काफी सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर में पीस ऑफ माइंड नहीं है। जिस तरीके से ये लड़की अपने फादर के सामने चिल्ला रही है, तभी मैं समझ गया था कि ये हाई टाइम है, और अगर वेल सेटल्ड घरों में ऐसा हो रहा है तो न जाने कितने घरों में हो रहा होगा। इसी के साथ वेलकम टू द एपिसोड ऑफ डीप विद इन डार्क रियलिटी पार्ट 2। आप लोगों ने माइकल जैक्सन के बारे में तो सुना ही होगा, किसने नहीं सुना। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके फादर उसको कितनी बुरी तरीके से डांटते थे, दुत्कारते थे, उसको मेंटली बहुत ही ज्यादा बुली किया करते थे उसके बचपन से ही। यहाँ तक कि चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ने लग गई थी कि माइकल जैक्सन को मेंटल बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो गया था। इसी वजह से आने वाले टाइम में उसने अपने मेंटल ट्रॉमा को दूर करने के लिए जब वो बड़ा हुआ, माइकल ने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें कि वो अपने बचपन को जी सके। इस दुनिया में वो हर बच्चे को वो खुशी देना चाहता था जो कि वो कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। सोशल मीडिया पे जब से ये वीडियो वायरल हो रहा है, तब से सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में सब लोग यही कह रहे हैं कि अंकल आपको अपनी लड़की के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करना चाहिए था, बेल्ट मारनी चाहिए थी, इवन न जाने क्या क्या करना चाहिए था, तब जाके आपकी लड़की जो थी वो सुधर सकती थी। अब देखो, सोशल मीडिया पे ये सब चीजें बोलना कि किसी के ऊपर वायलेंस करना चाहिए था, किसी को उस तरीके से समझाना चाहिए था, ये भी एक तरीके का ही हुआ, और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये नहीं है कि बच्चों को मारोगे पीटोगे तब जाके वो आपकी सुनेंगे। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप दोनों को, यानी कि मदर और फादर को, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस रखने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अल्टीमेटली आपके बच्चे पे बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। लगातार कई सालों तक यही सब चीजें, माँ बाप के झगड़े अगर वो देखता है तो उसके दिमाग में मेंटल ट्रॉमा पड़ता है, और यही सब देखते देखते उसकी साइकोलॉजी इस तरीके से डेवलप हो जाती है कि वो अपने माँ बाप के अंदर ही एक दुश्मन को ढूंढने लग जाता है। इस वीडियो में अंकल ने बहुत सारी चीजें बोली, उसी के पीछे इस लड़की की बुआ भी कुछ बोल रही थी। मेरी माँ को कह रही है जी, क्यों पैदा किया ऐसा बेटा, ऐसे आदमी के लिए पैदा करना ही नहीं चाहिए था जी। मेरी बेटी कह रही है जी, ये देखो जी, मेरी बेटी मुझे कह रही है कि यू डोंट डिजर्व टू लिव। बताओ आदमी को कितना मजबूर किया जा रहा है, बेटी से बुलवाया जा रहा है कि तू आत्महत्या कर ले।
कैन यू अंडरस्टैंड जी, मेरे को कह रही है यू आर अ ब्लडी, ये इज्जत करती है अपने बाप की जी, मेरे बाप की, मेरा बाप मर गया जी, उसकी टांग टूटी हुई थी हॉकी से, मेरे सगे चीचा ने तोड़ी है उसकी टांग जी, मेरे सामने तोड़ी है जी, वो सारी जिंदगी लंगड़ा लंगड़ा के चलता रहा, उसकी डायरियां मैंने पढ़ी जी, उसकी डायरियों में सब कुछ लिखा हुआ है जी, ये जो लड़की है वंदना ऋषि दैया, ये इस घर में कब्जा करना चाहती है कि मुझे मेंटल डिक्लेयर करके इनसे ऑलरेडी इन्होंने साइन करवा रखे हैं, जो कि मेरे पिताजी ने इसलिए लिखा था अखबार में कि मेरी जनानी ने मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया था, मेरी एक्स वाइफ ने, कि मेरे को प्रॉपर्टी ना देनी पड़े किसी को, तो उन्होंने हम दोनों को बेदखल दिखा दिया था जी। 9 साल इस मकान की जिसमें ये रह रहे हैं उसकी 32,000 रुपए महीना किस्त भरी है जी। अब यही सारी चीजें जब आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रही हैं, हो सकता है ये चीजें न जाने कितने सालों से चलती आ रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ये अंकल जो बोल रहे हैं ये एकदम सच बोल रहे हैं, या फिर इनकी बेटी जो बोल रही है ये एकदम सच बोल रही है, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि मानो या ना मानो इन चीजों का उल्टा असर बहुत ज्यादा खतरनाक पड़ता है, जो कि माँ बाप के साथ साथ अपने बच्चों की भी जिंदगी ले डूबता है। जैसे कि रचना अपने बेटे के सामने अपने आप को ही बहुत ही ज्यादा ओवर सेक्सुअलाइज करती है, उसी तरीके से लड़ाई झगड़ा करने वाले माँ बाप के सामने बच्चे भी ओवर ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। देखो यहाँ पे बात माँ बाप की भी नहीं है, बात है हर एक इंसान की। जो इंसान पीसफुली अपने घर में नहीं रह सकता, बैठे बैठे कई सारी चीजों में तोड़फोड़ मचाने लग जाता है, इवन बहुत सारी चीजों के साथ वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है, तो वो एक हेल्दी में नहीं रह रहा है। उस बंदे का पतन तो होना ही होना है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ वालों का भी पतन होना है जो कि उसके साथ रहते हैं। आई नो कि घर के झगड़े इतने ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, इतने ज्यादा बुरी तरीके से इवन खून खराबे पे भी उतर आते हैं, इवन आज के टाइम में इन सब चीजों को लेके तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग क्राइम केसेस भी आने लग गए हैं, और ये चीजें धीरे धीरे इतनी ज्यादा डार्क लेवल पे बढ़ती चली जा रही है कि आने वाले टाइम में क्या क्या आपको सुनने को मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। कुछ लोग यही सब एक्सपीरियंस करते करते साल बाय साल मेंटली वाकई में पागल हो जाते हैं, और उनको दिखाने के लिए हमारे पास देश में साइकेट्रिस्ट की कमी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग इस चीज को बीमारी कभी माने ही नहीं आज तक, जबकि सबसे बड़ी बीमारी, या फिर ये कहूँ सारी बीमारियों की जड़ यही है, तनाव, मानसिक तनाव। विकास देवी कीर्ति ने अपने पास आउट किए कॉलेज में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरी माँ जो थी वो बहुत ही ज्यादा तनाव लिया करती थी एज कम्पेयर टू माई फादर। तनाव उनके पास आता है तो फिसल के निकल जाता साइड से, लेते ही नहीं तनाव किसी बात, कुछ भी हो जाता है तनाव ही नहीं लेते। और मुझे लगता है कि काश ये चीज मेरी माँ के स्वभाव में होती, कम से कम 10 साल उनका जीवन और ज्यादा होता। आपके हाथ में जो है आप सिर्फ वही कर सकते हो, फालतू में किसी को मेंटल टेंशन देना, किसी को परेशान करना, इवन किसी को अपनी नाकामयाबी का दोषी ठहराना, वो कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं रहा और कभी होगा भी नहीं। लास्ट में मैं जाते जाते सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि किसी भी इंसान को बीमारी होने से पहले सबसे पहले उसके दिमाग में बीमारी होती है, और दूसरों में कमियां ढूंढने से पहले कभी अपने आप को भी अच्छे से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आई होप तुम्हें ये केस स्टडी अच्छी लगी है, और अगर कुछ इसमें कमियां रह गई हैं तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ आपसे एक और केस स्टडी में, तब तक के लिए आपको अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।